नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ की कुछ ऐसी लकीरों की जिनसे हमें संकेत मिलता है कि हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन वास्तु, ज्योतिष और तंत्र मंत्र की वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारा चैनल महा इंद्रजाल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें वे आप तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आम आदमी की सबसे बड़ी जिज्ञासा इस बात की होती है कि उसके जीवन में उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी या नहीं, उसके पास पैसा आएगा या नहीं और उसका भाग्योदय कब होगा। इस बात को जानने की इच्छा सभी व्यक्तियों में बहुत ज्यादा प्रबल होती है। जीवन में पैसे का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, हस्तरेखा ज्योतिष में हथेली का अध्ययन करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में उसे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हथेली पर बनने वाली सरकारी नौकरी और धनवान होने के संकेतों के बारे में। दोस्तों, हस्तरेखा ज्योतिष को समझने के लिए हमें हाथ की बनावट और हाथ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको जानना जरूरी है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ उंगली। कनिष्ठ उंगली सबसे छोटी होती है। इन उंगलियों के नीचे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है, तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत, मध्यमा के नीचे शनि पर्वत, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत और कनिष्ठ उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। सूर्य पर्वत या सूर्य क्षेत्र और शनि पर्वत के नीचे मंगल पर्वत होता है और शुक्र पर्वत के बराबर में चंद्र क्षेत्र होता है या चंद्र पर्वत होता है। और हमारी जो हाथ की कलाई होती है, जहां पर हम कलावा बांधते हैं, यहां पर मणिबंध होता है, इसे मणिबंध कहा जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं हम अपने हाथ में, हमारी हथेली में जो रेखाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, किस रेखा का क्या नाम होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये अंगूठे के पास से जो रेखा जा रही है इसे लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। इस रेखा को यहां पर लाइफ लाइन के बराबर में जो ये रेखा है इसे कहा जाता है हेडलाइन यानी कि बुद्धि की रेखा। ये बुद्धि की रेखा होती है। यहां पर कलाई के बीच में से जो ये रेखा जा रही है, ये वाली जो मध्यम उंगली तक सीधी जा रही है, इसे कहते हैं फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा। यहां पर हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन जो ये अंगूठे के बराबर वाली उंगली है जिसे तर्जनी उंगली कहा जाता है, तर्जनी उंगली से शुरू होकर इन दोनों रेखाओं को काटती हुई यानी हार्ट लाइन और फेट लाइन को काटती हुई जो रेखा जा रही है इसे कहते हैं हार्ट लाइन। इसके बाद यहां पर जो ये कनिष्ठ उंगली के नीचे ये छोटी सी लाइन आप देख रहे हैं, ये मैरिज लाइन है यानी विवाह रेखा है। सन लाइन, ये सन लाइन है। अनामिका उंगली के ठीक नीचे जो ये रेखा जा रही है ये सूर्य रेखा है, इसे सूर्य रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग रेखा हो गई। अब हम इन रेखाओं के आधार पर आपको बताएंगे कि वो कौन सी रेखा है जिससे हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति के भाग्य में सरकारी नौकरी या बहुत अच्छी नौकरी है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इन सभी रेखाओं में जो प्रमुख रेखाएं हैं वो 4 होती हैं। सबसे पहली भाग्य रेखा, ये वाली लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, ये रेखा, और मस्तिष्क रेखा यानी ये वाली रेखा, और जो हृदय रेखा होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये हमारी जीवन से संबंधित होती है। हार्ट लाइन जितनी गाढ़ी जितनी गहरी होगी हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे भाग्य के लिए जो 3 रेखाएं हैं वो मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा होती है। ये 3 रेखाएं हमारी होती हैं। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन यानी ये वाली रेखा, बीच वाली रेखा, भाग्य रेखा से निकलती हुई रेखा शनि पर्वत या गुरु पर्वत पर जाकर मिलती है, यानी ये शनि पर्वत होता है और ये गुरु पर्वत होता है, अगर यहां पर जाकर मिलती है तो उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी बनने के योग होते हैं। ध्यान रखिए, भाग्य रेखा यानी बीच वाली रेखा अगर शनि पर्वत और गुरु पर्वत यानी इन पॉइंट्स पर जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी बनने के योग होते हैं। ये रेखा सीधी जो जा रही है अगर यहां तक और यहां तक जाती है, यहां तक यानी गुरु पर्वत तक और शनि पर्वत तक, तो उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी बनने के योग होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए,
ये जो रेखा है फेट लाइन या भाग्य रेखा, ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के हाथ में कटी फटी रेखा है तो बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा फेट लाइन बिल्कुल सीधी होती है और गुरु पर्वत या शनि पर्वत तक सीधी जाती है, तो उन्हें सरलता से थोड़ा सा प्रयास करने पर ही सरकारी नौकरी मिल जाती है या मिल सकती है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के हथेली में सूर्य पर्वत यानी कि ये वाला स्थान और शनि पर्वत यानी कि ये वाला स्थान, अगर ये दोनों उभरे हुए हो, यानी सूर्य पर्वत और शनि पर्वत अगर ये दोनों स्थान उभरे हुए हो, या इन पॉइंट्स पर, इन स्थानों पर कोई व्रत हो या त्रिभुज का निशान हो या वर्ग का निशान हो, या इन स्थानों से यानी शनि पर्वत और सूर्य पर्वत से कोई छोटी सी रेखा जो भाग्य रेखा है अगर इससे आकर मिलती है, तो भी उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी बनने के योग बनते हैं, उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग सकती है, योग बनते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत यानी ये वाला पॉइंट और सूर्य पर्वत यानी ये वाला पॉइंट, जो गुरु पर्वत होता है ये जो हमारी तर्जनी उंगली होती है इसके नीचे होता है, और जो सूर्य पर्वत है यह अनामिका उंगली के नीचे होता है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट्स उभरे हुए हैं तो उस व्यक्ति को जीवन के 30 वर्षों के भीतर सरकारी नौकरी मिल जाती है, यानी बहुत ही अच्छा हाथ माना जाता है पल्म मिस्ट्री के हिसाब से, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर कौशलता और निपुणता भी होती है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बहुत बात होती है ऐसे लोगों के लिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा कलाई से शुरू होती है यानी इस स्थान से शुरू होती है और इधर शनि पर्वत या गुरु पर्वत की तरफ ना जाकर सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, यानी यहां से ऐसे चलती है और ये रेखा ऐसे मुड़ जाती है यहां पर सूर्य पर्वत की तरफ, तो उस व्यक्ति के जीवन में जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य चमकता है, ऐसे ही उस व्यक्ति का भाग्य चमकता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक यश प्राप्त करते हैं और उन लोगों के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो अगर फेट लाइन भाग्य रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है तो ये सबसे बढ़िया रेखा मानी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ हमने आपको जानकारी थी हाथ की रेखाओं के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों हम आने वाली वीडियोस में पाल्मिस्ट्री के ऊपर आपके लिए और भी वीडियोज लेकर आएंगे, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।